काशीपुर में सुबह दिल्ली से रामनगर जिम कार्बेट को जा रही टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकरा गई। बस चालक शैलेंद्र ने कहा कि सुबह करीब 5 बजे रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर से बचने के चलते कार डिवाइडर से टकराई है। बस में बैठे यात्रियों को किसी भी तरह की चोट नहीं आई है, साथ ही उन्हें दूसरी बस से आगे भेज दिया गया है। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप चौक से बाजपुर रोड रेलवे क्रॉसिंग पर बने फ्लाईओवर को 7 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। ये घटना घटी है कि देखो डिवाइडर बिल्कुल पास में ही, दूसरा ये रॉन्ग साइड आके नंबर आ रहा है ऊपर आगे आगे लाके। घटना है सुबह 5:30 बजे की, 5:15 से 5:30 बजे की। तो आगे से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं राइट में चल रहा था, काटते काटते भी डंपर मतलब गाड़ी चल गई इस पर डिवाइडर। मेन कारण ये है कि गैप नहीं है ड्राइवर से करने में, जो गेट है ये, और सारे यहाँ के नागरिक यही बात बोल रहे हैं कि इससे इस डिवाइडर से कई बार घटना हो चुकी है, क्योंकि ये डिवाइडर गलत है। यहाँ पे या तो प्रॉपर इसको बीच में कराया जाए या बिल्कुल हटाया जाए। नुकसान कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं अपनी लिमिट में था, अगर अनलिमिट होता मैं या नींद आ रही होती तो आप देख सकते हो नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता।